तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम लोग आज थोड़ा सा स्टडीज मटेरियल पे काम करने वाले हैं। ऑफ कोर्स स्टडी मींस स्टडी। तो गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं टीम से, एंड आई होप आप लोग भी रेडी होंगे आंसर्स करने में क्वेश्चंस का। सो जितने आप लोग करेंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इन द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस, ये हमारी टीम, तीन दिन की दो टीम बढ़ चुकी है। दोनों तरफ बैठे हैं ये साइंस वाले, दो नालायक आर्ट्स वाले, दो नालायक हमारे कॉमर्स वाले बैठे हैं। देखो, आप लोग बिल्कुल बोर नहीं होने वाला है, बिकॉज देखो पढ़ाई के नाम पे ऑफकोर्स नींद आती है, बट यहाँ पे आपको मजा आने वाला है, ठहाके लगने वाले हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर बात आती है साइंस की तो जीत गए हम। यार मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरे स्कूल में कभी भी क्विज में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। अगर इतना ही है तो आज देख लेते हैं तुम्हारी नॉलेज कितनी है। गाइस एक बात बोलना था कि पोची जो बोल रहा है वो क्लास पहली और तीसरी में तीन बार फेल किया है। तो रेडी रहना कि कौन आंसर कर रहा है, और गलत फटफट से दबाना नहीं है, ठीक है बजर। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? क्या क्वेश्चन? एक लास्ट का लाइन, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ? जो मेरे को याद है नेचुरल सब्सटेंस हार्डेस्ट डायमंड। मैं क्या दे रहा था उन्हें, मैं इसको बेडरॉक। अबे हमारे को चांस ही नहीं मिला है, इसके बाद दबाए ना हमने भी। व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? यूरेनियम। अबंडेंट बोल रहे हैं, ज्यादा मेटल। मेटल अबंडेंट। अबे डिस्कस कर ले पहले। अबे एक आंसर दो, दो नहीं देने हैं। ये माइनस वन होगा तो भी क्या, प्लस दो किधर है हम पे? जो माइनस वन होगा तो माइनस पे जाएंगे भाई। एक आंसर देने के बाद वो लोग दूसरा आंसर नहीं दे सकते, ठीक है? अगर माइनस टू होगा, इस बार वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, माइनस वन हुआ तुम्हारा, ठीक है? आए इलेक्ट्रिकल चार्ज मेरे हिसाब से पता है क्या भैया, मेरे से भी डिस्कस कर लो। ओ नॉन कंडक्टर नहीं, नॉन कंडक्टर क्या है भाई? वो तो नॉन कंडक्टर, तो व्हाट? वापस क्वेश्चन बोल, समझा। अरे व्हाट इज द मटेरियल दैट विल नॉट कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज कॉल्ड? बिजली ना लेने वाला। रुक जा, वाह। बैड कंडक्टर। एन इंसुलेटर इज द राइट आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी वन, व्हिच फ्रीजेस फास्टर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर? व्हिच फ्रीजेस फास्टर, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर? हॉट वाटर। ये आंसर तो हॉट वाटर, ऐसा ही होगा। लेट्स गो यार, बजाना था ना। अच्छा बजाया नहीं है यार? नहीं दबाया तुमने, उन्होंने दबाया है बजर। ओ फक, मैं तो भूल ही गया। इसको पता नहीं था, तूने बताया उसको आंसर? ये हॉट और कोल्ड में हुआ क्या था, पता है इसको? हॉट कोल्ड इतना नॉर्मल है, साइंटिस्ट बन भाई। एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट बनना था बन लो तभी से इसका बचपन से एस्ट्रोनॉट बनना था, सपना था। पहला एस्ट्रोनॉट का नाम बताइए, बता दे। नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग था, ये भी पता है इसको भाई। साइंस आर्ट्स वाले सब लड़ रहे हैं आपस में, साइंस आर्ट्स वाले लड़ रहे हैं भाई। माइनस वन प्लस थ्री, विच ब्लड टाइप इज द रेयरेस्ट इन ह्यूमंस? ओ नेगेटिव को। रॉन्ग आंसर। एबी। अरे यार हो, ये ए बी नेगेटिव। ट्रू, ये सही है। ये भाई बोलते हैं, मैंने बोला था कि यार ये बायोलॉजी से रिलेटेड था, वो मेरे को आता ही नहीं है। किसको बोला था? उसको बोला ना ए बी। सॉरी गाइस, हम लोग का हो गया 5 और वो लोग है अभी माइनस 2 पे। अभी कमबैक कर रहे हैं, हो गया। व्हाट एलिमेंट डज द केमिकल सिंबल AU स्टैंड्स फॉर? AU। उन्होंने क्या बदल दबाया? एल्युमिनियम। रॉन्ग। क्या हुआ, क्या हुआ सिर भाई? एल्युमिनियम नहीं है मेरे हिसाब से, आई थिंक गोल्ड है। माइनस 1 भाई। आंसर ये तुमने हमारी टीम में, हमने बुला दिया हमने। अरे मेरी बात सुनो, अगर इनको एक लाइफ लाइन ली जाएगी, ठीक है? अगर इनको आंसर नहीं आता वो सिड भाई से पूछ सकता है। हम मैथ्स पे आ जाते हैं फट से, बी रेडी। इजी क्वेश्चंस हैं, इसको फ्रैक्शंस को परसेंटेज में बताना है। अरे इजी है, इसीलिए फास्टेस्ट है। 75% इज क्या फ्रैक्शन, क्या होगा इसका? 0.75 फ्रैक्शंस में। मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता,
क्योंकि इसने आंसर जोर जोर से चिल्ला के बोला है। अरे नहीं, क्या बोला इसने? क्या बोला? सुन लिया, 3/4 बोला। तू कैसे फ्रैक्शन भाई, कहां से मैं दिमाग क्यों बोल रहा है? बात कर लेना हमसे यार, 3/4 होता है। अकेला खेल रहा है क्या ये बंदा? फुल कॉन्फिडेंस ज्यादा अक्षु के सामने। 3.33% क्या होगा इसका फ्रैक्शन बताओ? इसका फ्रैक्शन बता। हां, परसेंटेज का फ्रैक्शन। अरे तो यही होगा ना फ्रैक्शन। चांस मिलना ही पड़ेगा। चलो बोलो, कट क्या करना पड़ेगा? मेरे को मत पूछो, मेरे को मत पूछो। अब डॉट के बाद 2 0 आएंगे, वो कट जाएंगे भाई। 3-3 भाई, मेरे को नहीं पता क्या ये किसका, ये कौन से डिपार्टमेंट का है? कॉमर्स ना। पूछो भाई, जैसे 25% का क्या होता है? 33.33% कितना होता है? 3.33 बोला है। मैंने गलत बोला है? नहीं नहीं, 33.33 पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया तूने पूरा। अच्छा ठीक है, 33.33 अब क्या हो गया? अभी भी नहीं आता भाई। हम इनके कान में सिर्फ इतना ही बोला था, 1.3 है इसके 3.3 श्योर नहीं था। मैच पूरा है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक सम सॉल्व करना है, ठीक है? उसका आंसर बताना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आगाही तो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है? सो नहीं, पेन और पेपर नहीं, ये दिमाग के खेल है। पेन पेपर पर कुछ अलाउड नहीं है। मैं हमारा 4 हुआ। क्या हो रहा है सर? मैच क्या क्या हो रहा है? वो लोग पहले बजर दबा दिया है। सोच रहे थे, हम भी दे रहे थे भाई। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर फर्स्ट 5 प्राइम। अरे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का सम कितना होता है? बोल तो दिया, बोल तो दिया। वो कितना? 15। गलत है, बजर दबा दिया हमने। 27 क्या ग्रुप बनाया तुमने? सिड भाई इन लोग को पूरी तरह ज्वाइन करते हुए एंड हमें पूरी तरह ज्वाइन करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर? फटफट से बोलूंगा, फट से आंसर करना, ठीक है? 31, 61, 71, 91। ये लोग जो सोच के बोलेंगे, मैं आपको रिपीट करूंगा। ऐसे तो कोई भी नहीं बोल दिया, बोल दिया, बोल दिया। अरे तो बजा के तो कोई भी पूरी क्वेश्चन कर भाई, सर करके तुम लोग सोच नहीं सके तो बजा। राउंड ही नहीं 71 अभी आया भाई, हम लोग पहले से खेल रहे हैं। कुछ नहीं बोलना तो बोल दो, दबा दिया है। सुने तो आप 71 बोल दो भाई। हां, आपको आंसर करना है? नहीं नहीं, हमें नहीं करना है। अच्छा, तुम्हारा गलत आंसर है। ऑप्शंस वापस दो हम लोग को। 31 सॉरी 31 61 71। हम लोगों ने दबाया ही नहीं बजर। तो भाई ऑप्शन दो, क्यों ऑप्शन? ऑप्शन तो गया ना 71। अरे तो बचा ही 3 ऑप्शन, खेले गए नहीं। इन लोगों को ऑप्शन क्यों दिया वापस? का गुंडा ही कर रहा है बहन, इसलिए क्लास वन दो बार खेलते थे, दो बार खेला। टीचर को भी अच्छे बात करता था। ऑप्शन बिना सुने तुम नहीं ये कर वो, हम लोग क्यों पर बैठो यार, बैठो बैठो। एक भी आंसर नहीं दिया, बच के सर आ देखो। अबे कुछ नहीं किया ये तो अरे मैच मैच अरे अरे चुप करना। इस क्वेश्चन को कैंसिल करते, दूसरा वाला करते हैं, ठीक है? विच ऑफ द नंबर इज द प्राइम नंबर, ठीक है? और मैं एक बार ही ऑप्शंस बोलूंगा, अगर आपको पता है कौन सा है तो तभी बजर दबाना। बजर दबा के बाद क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शंस नहीं दूंगा वापस में, ठीक है? 33, 81, 93, 97। 97 राइट। ऑटोमेटेड टेलर मशीन सही है।
ऑल द रेवेन्यू इनकम्स आर क्रेडिट टू कौन से अकाउंट में होती है बताओ हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर प्रिंटेड ऑन इंडियन नोट्स फोर रॉन्ग आंसर Roughly 14. Close one, but 15 होती है. So, दोनों का माइनस होगा. दोनों का माइनस है. In which year India adopted liberal and free market principles? मतलब इंडियन रिफॉर्म्स कब आए थे? हाँ, अरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे इंडिया में? क्लोजेस्ट जो भी होगा वो जीते. ठीक है. 1972 मोस्टली होना चाहिए. रॉन्ग. पागल है क्या? कोई आइडिया नहीं है. इकोनॉमिक्स रॉन्ग आंसर. अरे कीड़ा है क्या यार? क्यों कर रहा है? 91 इज द राइट भाई. लेकिन मैंने इसको बोल दिया था 91. हम लोग का 6 है और उन लोग का -2. हु हैज अ सोल राइट टू इशू बैंक नोट्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस? ये लो हम लोग. ये आरबीआई. आरबीआई तो पता है. फाइनली कुछ किया. बहुत बढ़िया. 0-0. व्हिच सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? इंडस्ट्रियल. टेक्सटाइल में इंडस्ट्रियल आ गया. क्या बात है? ठीक है, एक और डेट वाला कुछ पूछते हैं, एयर वाला. ठीक है, क्लोजेस्ट वाला जीतेगा, बट मैं क्लोजेस्ट में +2 -2 तक ही दूंगा. व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड इन इंडिया? ब्रो माइनस नहीं चाहिए भाई. 1961. नहीं रॉन्ग. नहीं नहीं, मेरे नीचे आ रहे हो. -1 जाता है. 1949 है. उसी साल हो गया था. सो गाइज, आई होप आप लोगों को अभी तक मजा आ रहा हो और आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो तक. हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन द वर्ल्ड? क्या कर दिया? 24. राइट. अरे भाई पहुंची पागल हो गया. क्या बात है, बराबर आ गए भाई. 5-5 हो गया. क्या बात है. व्हाट गैलेक्सी डू वी लिव इन? मिल्की वे. अबे मेरा मजा. ए क्या बात है. टाइम चेक कर लिया. मिल्की वे. मिल्की वे. राइट. +2. व्हाट इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? फर्स्ट चाइना. चाइना. रुको भाई, फर्स्ट चाइना, सेकंड पूछा ना चाइना. रॉन्ग. ऑस्ट्रेलिया. रॉन्ग. अरे वो छोटा है वो तो. रशिया बोल दो. कनाडा. हाउ मेनी मंथ्स इन द ईयर हैव 30 डेज? 30 days. सुन के आंसर दिया था. इन्होंने पहले बजर दबाया. फुल फॉर्म ऑफ LIC. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी. क्या कंपनी? LIC का तुम करके देखो. लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. फिर कैसे होगा बाबू? दो 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 होते हैं. दोनों है. कॉर्पोरेशन और कंपनी सेम चीज हुआ. ओए हां चाचा, नेक्स्ट अब पूछिए. रिएक्शन टाइम लो है. इन व्हिच ईयर इंटरनेट वाज मेड पब्लिक?
दो जवाब क्या ये आगे पीछे थोड़ा चलेगा? हाँ प्लस वन प्लस टू एयर में देश आजाद हुआ था उसके बाद जाना वो देश आजाद से पहुंच गया गाइस, देश आजाद से पहुंच गया, देश आजाद होने के बाद आगे पीछे का भी दिया है, आगे भी बोलो, तीन साल का पीछे भी बोल लो, बोल दिया होने देना, हम लोग इतने आगे प्लस टू माइनस टू कंसिडर करेंगे ना 93 Does sound travel faster in air or in water? रॉन्ग आंसर वॉटर में रफली तुम्हें इतना इतना बताना है कि ये क्वेश्चन में ठीक है क्लोजेस्ट वाला जीते अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द सन्स लाइट टू रीच अर्थ इसने क्वेश्चन खत्म होने से पहले बजर दबाया फिर आंसर दिया उन्होंने क्वेश्चन मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया तो उसमें हिंट था तो ये हिंट नहीं मिलेगा आंसर दो आंसर दो आंसर दो लाइट ईयर्स होता है वो अबे रोज सुबह आती है सूरज की किरणें यहाँ पे लाइट ईयर्स दूर होते हैं अबे लाइट ईयर प्लस वट इज हैवीएस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी वो नहीं है तेरा नहीं है राइट राइट चलो आप लोग अपना जवाब बताएगा ही नहीं क्या बता रहे थे Where did British first open their factories in eastern part of the India? Options are Assam, Orissa, Bihar or Sikkim. ये लोग असम ओडिशा बिहार सिक्किम असम ओडिशा बिहार सिक्किम मैंने ब्रह्मपुत्र का भी ऐसे थोड़े वार बहुत बाद में हुए भाई असम ही है रॉन्ग आंसर हम लोग को जाते हैं ऑफ कोर्स उड़ीसा होना चाहिए राइट आंसर असम में असम आ ही नहीं पाया था भूलिया क्या ताजमहल को बनने के लिए कितने साल लगे थे ऑप्शन सुन लेना 22, 26, 18 और 12 लिखता था भाई ताजमहल पे मेरे को याद है अभी भी व्हाट इज द रियल नेम ऑफ बीरबल महेश दास ब्रह्म भट्ट ठीक है अमर सिम्हा और ब्रह्म भट्ट जी क्या हुआ क्या हुआ Who is the author of रामचरितमानस कालिदास वाल्मीकि तुलसीदास सूरदास दस बार बजा तो आए तुलसीदास बोलती तो मैं एक EMI की फुल फॉर्म क्या है Estimated monthly installment. गलत है Easy monthly installment. एक सेकंड, एक बार, एक बार, एक बार डिसाइड. Equal monthly installment. एक डिसाइड कर ले. Equal, equal. क्या बोला तूने? Equal. तो मैंने equated को equal मान लेता हूँ. Equal. मान लेता है. Same. First bank established in India. Option सुना, option सुना. Bank of India, Bank of Hindustan, Bank of Bharat, Bank of Agra. इंडिया नाम है बता रहा हूँ. भारत या इंडिया में से कोई होगा बता रहा हूँ. Bank of Hindustan. हिंदुस्तान लग रहा है. Bank of India लग रहा है मुझे. चले. जो लग रहा है करो. चलो चलो. Bank of India. रॉन्ग आंसर बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक के बाद में आया था आइकॉनिक आइकॉनिक कंपनी हां आइकॉनिक कंपनी में स्टीव जॉब्स स्टार्टेड एप्पल 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 राइट हम लोग भी ऐसे बोलते हैं व्हिच इज द ओनली स्पोर्ट टू हैव बीन प्लेड ऑन द मून दो गोल्फ गोल्फ पर सिया ये तो मेरे को भी आ रहा था गोल्फ व्हाट इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम क्या बोला मैंने बोला हम पहले दबाए पहले दबाए मैं बोल रहा हूं उठो 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 जीत गए हैं शायद जीत गए ये भाग रहे हैं तो गाइस सुनो ऑडियंस स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना
ये यूनिवर्स का स्पेस का स्पेस वेस का पूछ लो, इजी है, जुपिटर। बिल्कुल सही है, हम लोग जीते हैं, लेकिन इसने ना जब बजट ज्यादा दबाया माइनस हुए। ब्रो यार मेरे दो आंसर वो खा गया है तो माइनस आपको पता है किसने आंसर सही दिए हैं और किसने ज्यादा आंसर्स दिए हैं, और मुझे लगता है आप लोगों ने भी काफी आंसर दिए होंगे। आप लोगों ने तो दिए होंगे, भले ही हम लोग जीते बट एमवीपी आप हो। हाँ पोची है। सो गाइज आई होप आप लोगों को मजा जरूर आया होगा और आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे और किसी के खत्म भी होंगे और अच्छे गए होंगे। आई होप आपका रिजल्ट भी अच्छा है एंड ऐसे ही आप लोग आपका थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गया होगा क्वेश्चंस। अगर आपको जितने आप लोगों ने सही दिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ट्विटर एंड फेसबुक एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।